शहर लाहौर से तकरीबन 80 किलोमीटर जनूब की जानिब लाहौर मुल्तान जीटी रोड पर एक कदीम शहर पतोकी आबाद है। पतोकी शहर अपने चारों अतराफ से वसी रकबे पर फैली हुई बेहदो हिसाब नर्सरियों और फलों के बागात को अपने दामन में समोए हुए हैं। तो स्टार्टिंग में तो ये था, हमारे एक आयत बुजुर्ग यहाँ पे अब्दुल वाहिद साहब, उन्होंने स्टार्ट किया था बांस से, फिर उसके बाद गुलाब से, तो स्टार्टिंग इसकी ये थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते अब ये तहसील पतोकी का रकबा हम रबों के हिसाब से देख लिया, तहसील पतोकी है, तहसील पतोकी अब इसमें कोई कितने गांव आते हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट कसूर तक ये काम अला वहाँ तक ये काम हुआ। सुबह पंजाब का ये शहर एशियन बर सगीर में नर्सरी फार्मों का मरकज है, जहाँ तकरीबन 8,508 छोटे और बड़े पैमाने पर नर्सरी फार्म मौजूद हैं। ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा फैली हुई नहीं थी, पहले बहुत छोटे लेवल पर यह कारोबार था, अभी बहुत एक्सटेंड हो चुकी है ये मार्केट। तो हम तो बहुत लेट आए, इससे पहले ये स्टार्ट थी तकरीबन 50-60 साल से ये काम हो रहा है, तो बहुत बड़ी मार्केट है जी। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फूल और फल इसी सरजमीन की पैदावार है। पत्तों की शहर को एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी मार्केट माना जाता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मुताबिक दुनिया में कोई और ऐसा शहर मौजूद नहीं जहां इस कदर नर्सरियां पाई जाती हैं। जो पतोकी की मार्केट है ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और जहां पे जो मजदूर जो काम कर रहे हैं वो 14 से 16 हज़ार के राउंड अबाउट इनकी रोज़गार चला हुआ, जिनको रोज़गार मिलता है यहां से, क्योंकि यहां पे 6,000 प्लस नर्सरीज हैं और 6-7 प्लस गांव जो इसके साथ मुंसलिक और काम कर रहे हैं। अब तो यहाँ पे जो है ना लोग बाहर से आगे यहाँ पे जो है ना अपना काम कर रहे हैं नर्सरी का। तहसील पत्तोकी में तकरीबन 5,000 एकड़ रकबे पर 100 से जायद इकसाम का गुलाब काश्त किया जाता है, इसीलिए पत्तोकी को फूलों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों का ज़्यादातर पेशा ज़रात के साथ मुंसलिक है, तकरीबन 40 से 50% लोगों का रोज़गार इसी शोबे से मुंसलिक है। इन्हें ज़रात इतदार से नर्सरी है, पहले जिम्मेदार दूजा कर दे सकते हूँ नर्सरी है की थी गमले। नर्सरियाँ सस्ते और मियारी फलदार सजावटी फूलदार पौधों के हसूल का अहम जरिया है। बेहद मेहनत और कई कीमती सालों की जिद्दोजहद के बाद एक पौधा बाजार में जाने के लिए तैयार होता है। एक पौधे ने पहले जी थैली कलम तैयार होती थी, कलम तैयार करके उन्होंने थैली नू जमीन चलाया जाता है, जमीन चला के 3 साल बाद पौधा तैयार होता है, पौधा तैयार करके फिर जमीन चो गमले च करी दे, गमले च करके फिर अगर जो चीज़ बनानी हो बना लें, इनकी भाजी टपहरी भी तैयार हो जाती है, कोन भी रही है, इनकी स्टिक भी तैयार हो जाती, ग्रिल भी बन जाती, सराई भी बन जाती है, जो चीज़ इनकी बनाई चाहिए वह बन जाती है। पौधे को गमले च शिफ्ट करके बनाना चाहिए, क्योंकि जमीन जी तुम बनाओगे तो जो तुम गमले शिफ्ट करोगे तो उनके हेड खराब होंगे, इस वास्ते थोड़े वास्ते ज़्यादा बेहतर है कि इन गमले शिफ्ट करके फिर इनकी कटिंग करो, फिर ज़्यादा खूबसूरत विकन के काबिल ज़्यादा जल्दी रहेगा, क्योंकि लोग इन गमले च इस वास्ते लैके जाते हैं कि असी जाके जिथे लावे उत्थे खराब नहीं होएगा, अगर जमीन च पुटांगे तो फिर उनके वास्ते तुम 10 से 15 दिन लाजमी हो एक दो हिस्सा च गाची पा के ले जाना पैंदा, तो ज़्यादा बेहतर है कि तुसी गमले च खरीदना पसंद करोगे, क्योंकि पौधा खराब ना हो। जाहिर जिन्ने पैसे भरने उन्हें यह तो नहीं वेखना भी पौधा खराब करके बह जाइए, जिन्हें लैना खूबसूरती वास्ते ज़्यादा बेहतर है कि उनकी हिफाजत पहले ही हुई है। बोनसाई एक जापानी तरीकाकार है जिसमें खास किस्म के पौधों की इस तरह से काट छांट की जाती है कि वो कद में तो छोटे ही रह जाते हैं लेकिन बनावट और सजावट में बड़े दरख्तों की तरह दिखाई देते हैं। ये बौने दरख्त बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। ज़्यादातर बोनसाई और कैक्टस थाईलैंड से इम्पोर्ट किए जाते थे, लेकिन अब पत्तोकी में भी लोकल बोनसाई तैयार की जाती हैं। पीपल बोर्ड की एज होती है, हमारे कई नस्लें देखती हैं उसको कि अभी बोर्ड खड़ा हुआ, पीपल खड़ा हुआ, तो ऐसे ऐसे ही हमारे पैदा होने से कई सालों पहले का ये पौधा लगा हुआ जमीन में,
अभी हमने उसको शिफ्ट किया, उसको ग्राफ किया, तो इसकी एज कम अज़ कम कोई 40-50 साल इसकी पौधे की एज है। तो इसकी एज की इसकी प्राइस है, और इसकी प्राइस कम अज़ कम को 50-60 लाख से ऊपर है। चाइना में भी बहुत ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है। तो अभी अब हमने लोकली यहाँ पर तैयार किया, इसको हम लोकल बॉन्सेई कहेंगे यहाँ पर। इन नर्सरियों में हज़ारों की तादाद में पौधों की वैरायटीज़ पाई जाती हैं। यहाँ पर हर किस्म का पौधा, चाहे वो इम्पोर्टेड हो या लोकल, बआसानी दस्तयाब होता है। हाँ, मार्केट के लिहाज से छोटे से छोटा पौधा 5 से 7 रुपये का मिल जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चले जाएँ तो वो लाखों में चला जाता है, 20 लाख 25 लाख तक चला जाता है। वो बॉन साइज वगैरह होती हैं। रंग बिरंगे फूलों की महक फूलों और पौधों के शौकीन अफराद को दूर दूर से यहाँ खींच लाती है। पूरे पाकिस्तान में लगाए जाने वाले पौधे ज़्यादातर पत्तों की से ही जाते हैं। जो बड़े प्लांट्स हैं वो तो हाउसिंग सोसाइटी ही लेती है, उनकी डिमांड होती है। छोटे प्लांट्स तो जो छोटा कस्टमर, उसने तो अपना लॉन छोटा बनवा लिया, वो उसने काम करवा लिया, लॉन मेंटेनेंस हो गया, और छोटा अपना किसी ने अपना बाग लगवा लिया किसी चीज़ का। जो बड़े जो बायर होते हैं वो ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटी, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ ही होती हैं, पहले वो ही लगाती हैं, कि उन्होंने अपना एकड़ों के हिसाब से उन्होंने ली जगह अपने, तो उन्होंने वो कवर करनी होती है। पहले अपना ग्रीन बेल्ट उसने कवर करना होता है, मेन बुलीवार्ड, और उसमें हर चीज़ उनका ज़्यादा ही इसमें किरदार है। इसके अलावा उससे दूसरा नंबर पे जो है, पहले तो ये था सोसाइटीज का, उसके बाद जब से एक्सपोर्ट शुरू हुई है, उसके सबसे बड़ा है एक्सपोर्ट का इसमें है। प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का कहना है कि सालाना कम से कम 250 कंटेनर्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। हर एक कंटेनर में प्लांट्स की क्वांटिटी तकरीबन 10,000 से 12,000 होती है, और इनकी मालियत तकरीबन 30 से 35 लाख के करीब होती है। हम इधर से जो है आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं प्लांट्स, जो हमारे दुबई, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, उनमें से जो काफ़ी वैरायटी जो रोज़ की है, जो पाकिस्तान से जाती है, रोज़ जाता है, मोती है हमारा, ठीक है, उसमें लाजिस्टोनी है और स्टार जास्मीन है, पाम्स की वैराइटीज़ हैं, ठीक है, उसमें ट्रीज़ आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, और फ्रूट्स भी आ जाते हैं। पाकिस्तान फ्रूट तो बहुत ज़्यादा जाता है ना यहाँ से, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ से, और हम हर साल जो है ना यहाँ से 4 से 5 ट्रेलर अपनी नर्सरी से जो हम खुद तैयार करते हैं, हम वो एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी नर्सरी से जो मार्केट के लिहाज से जा रहा है, तो लास्ट ईयर जो है ना 100+ कंटेनर गया हमारी मार्केट से, और ये बड़ी खुशी की बात है। पत्तों की नर्सरियों में महकते फूल यहाँ आने वालों को खुशगवार एहसास दिलाते हैं। तो ये हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमें पौधे दस्तयाब हैं, और उसकी पूरी एक जो है चेन है, कि ये जिससे हम पूरे पाकिस्तान में, हमें कहीं पौधे अगर चाहिए हों तो पत्तों की नर्सरी जो है वहाँ से हमें मुयसर आते हैं, और इन पौधों की मदद से हम पूरे पाकिस्तान में शजरकारी करने के काबिल होते हैं। पाकिस्तान को माहौलियात के मंजरनामे पर माहौलियाती आलूदगी, आबी किल्लत, मौसमियाती तब्दीली, आलमी हिद्दत जैसे गंभीर मसाइल का सामना है। इन माहौलियाती मसाइल की बड़ी वजूहत कार्बन का अखराज, बढ़ती आबादी और जंगलात की कटाई है। 2017 के वर्ल्ड बैंक के तरक्याती अदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में जंगलात सिर्फ 1.9% रह गए। मुल्क सवा सकता है, मुल्क को जहाँ देखें, जहाँ ग्रीनरी होगी वहाँ पानी भी होगा, वहाँ परिंदे भी होंगे, वहाँ इंसान भी होंगे, सब कुछ ग्रीनरी से ही है। स्टार तो दुनिया की ग्रीनरी ही है, अगर ग्रीनरी को आप समझेंगे तो सब कुछ ही वहाँ पे होगा। अगर इसको सपोर्ट करेंगे तो ज़र मुबादला भी आएगा, किसान भी खुशहाल होगा, आपका दुनिया में एक नाम ही होगा कि हम ग्रीन एम्बेसडर हैं, हम दुनिया में अपने आप को, अपने मुल्क को ग्रीन कवर अपना बढ़ा रहे हैं और दुनिया को ग्रीन कवर दे रहे हैं, जैसे कि लोगों की डिमांड भी है। अशरफ जावेद मलिक की एक नज़्म का शेर है, वो घर भी क्या घर है, जहाँ पर फल फूल हैं ना फुलवारी है, कल जब दरख्त नहीं होंगे हम खुशबख्त नहीं होंगे।